नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इसके बारे में। ये क्या होता है, किन पुरुषों में ये ज्यादा होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, साथ ही में इसके लिए कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट रहेगा, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोज अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं बीपीएच क्या होता है। बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इसका फुल फॉर्म है। ये बीपीएच यानी कि आपके पुरुषों में जो यूरेथ्रा रहता है या फिर जो ब्लैडर रहता है, मूत्र की जो थैली रहती है उसके नीचे जो यूरेथ्रा रहता है, तो वहां पर एक ग्लैंड रहती है, ग्रंथि रहती है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट। तो उस ग्रंथि का अगर सूजन हो जाता है या फिर उस ग्रंथि की अगर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और कुछ कारणों के वजह से उसमें सूजन भी आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये जो बीपीएच है ये कैंसरस नहीं रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बिनाइन। तो ये जो बीपीएच अगर होता है आपके प्रोस्टेटिक ग्लैंड यानी कि ग्रंथि की अगर आपको सूजन होती है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको होते हैं। तो बीपीएच ज्यादातर किन लोगों में होता है, तो जो पुरुष 50 आयु के होते हैं तो उनमें ये बीपीएच देखने को मिलता है। 50% जो लोग होते हैं उनमें 50वीं आयु के बाद ही ये प्रोस्टेटिक या फिर बिनाइन हाइपरप्लेजिया जो है वो देखने को मिलता है। और लगभग 80% यानी कि 80% लोगों में ये जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है ये 70 साल के बाद देखने को मिलता है। तो अगर पुरुषों में ये बीपीएच होता है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आगे चलकर। अगर आप ये बीपीएच जो है वो सही तरीके से ठीक नहीं करते हैं तो आगे चलकर आपकी जो मूत्र की थैली होती है जिसमें पेशाब जमा होती है, तो उसमें पेशाब जो है वो उसका रिटेंशन हो जाता है या फिर पेशाब वैसे के वैसे ही रहती है, वो यूरेथ्रा से यानी कि वो नीचे आकर आपको पेशाब जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, तो उस पेशाब की थैली में पेशाब जो है वो जम जाती है, इसके वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है यानी कि जो मूत्रपथ के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन होकर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की जो परेशानियां हैं वो होती है। आगे चलकर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आपको हो सकते हैं, तो इस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है तो आपको होम्योपैथी में एक ड्रॉप आता है जिसका नाम है प्रोस्टोनम ड्रॉप, ये आप जरूर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बीपीएच की जो भी परेशानियां हैं वो कम हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं बीपीएच के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपको यूरिन में अर्जेंसी यानी कि आप पेशाब के लिए कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपको जब पेशाब का सेंसेशन आता है तो तुरंत आपको जाना पड़ता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, नहीं तो वो पैंट में ही पेशाब जो है वो हो जाती है। साथ ही में पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, इतनी बढ़ती है कि पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, पेशाब के लिए जाना पड़ता है और उसको ऐसे लगता है कि यूरिन जो है वो लीक हो रहा है। साथ ही में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से उसको रात को भी यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ता है, पेशाब के लिए बार बार उठना पड़ता है, उसको ऐसे लगता है कि उसके ही जो मूत्र की थैली है वो पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हुई है और उसको ऐसे लगता है कि उधर पेशाब जो है वो जमा है और इसलिए उसको बार बार पेशाब जाने का सेंसेशन जो है वो रहता है। साथ ही में जब वो पेशाब के लिए जाता है तो उसको जलन युक्त पेशाब जो है वो भी होती है, तो ऐसे सिचुएशन में ये बीपीएच जो है ऐसे लक्षण जो है वो पैदा कर सकता है। अब हम बात करते हैं अगर बीपीएच के ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं और आप जब सोनोग्राफी करते हैं यानी कि अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है कि आपके प्रोस्टेटिक ग्रंथि की स्वेजन है या फिर स्वेलिंग है, तो उसके लिए आप प्रोस्टोनम ये जो ड्रॉप आता है SBL कंपनी का ये जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोस्टोनम ड्रॉप है इसमें कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन मिले हुए हैं जो आपको मदद करता है बीपीएच को कम करने में और आपकी जो भी पेशाब के रिलेटेड समस्याएं है उसको ठीक करने में। पहली जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सिबिल सेरुलाटा। इसमें क्या होता है कि जब आप पेशाब त्याग करते हैं या फिर पेशाब आपको होती है तो उस वक्त बहुत ज्यादा बर्निंग या फिर जलन युक्त पीड़ा आपको होती है। साथ ही में एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन यानी कि अभी रिसेंट होने वाला बीपीएच है या फिर पुरानी बीमारी है आपको बीपीएच की, तो उस वक्त भी ये सिबिल सेरुलाटा मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है।
नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है चिमाफिला। ये जो मेडिसिन है क्या करती है कि आपको जब पेशाब होती है बहुत ज्यादा अर्जेंसी होती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और आपको जब पेशाब जाने को होता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग या फिर प्रेशर देना पड़ता है, तभी आपको ये यूरिन जो है पेशाब जो है वो अच्छी तरीके से हो पाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है क्लिमेटस इरेक्टा। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि यूरिन की जब अर्जेंसी आती है, पेशाब का जब सेंसेशन आता है तो पेशेंट जाता है तो उस वक्त बहुत स्लो या फिर धीरे से यूरिन जो है वो बाहर आती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आती है और धीरे धीरे करके उसका फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब पेशेंट पेशाब करता है तो उस वक्त बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है और लास्ट ड्रॉप जो रहता है पेशाब का वो बहुत ज्यादा बर्निंग दायक रहता है, बहुत ज्यादा जलन युक्त पीड़ा जो है वो महसूस करने वाला होता है, तो उस वक्त क्लिमेटिस इरेक्टा मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं और ये मेडिसिन इस ड्रॉप में मिली हुई है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है पैरालेरिया ब्रावा। ये जो मेडिसिन है जहां पर आपको पेशाब के वक्त बहुत ज्यादा जलन युक्त पीड़ा है बिफोर या फिर आफ्टर, यानी कि पेशाब के पहले या फिर पेशाब के बाद, और आपको पेशाब में बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, तो पैरालेरिया ब्रावा ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है पल्सेटिला नाइग्रिकन्स। ये जो मेडिसिन है इसमें बहुत ज्यादा जलन युक्त पीड़ा आपको होती है और स्पेशली जब आप रात के वक्त पेशाब करने के लिए उठते हैं, यानी कि आपको अर्जेंसी रहती है तो आपको रात को भी आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उस वक्त रात के वक्त जलन युक्त पेशाब बहुत ज्यादा होती है, तो वैसे कंडीशन में पल्सेटिला मेडिसिन जो है यह हम इस्तेमाल करते हैं उस जलन युक्त पीड़ा को या फिर बीपीएच को ठीक करने के लिए। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने अभी बताए तो ये इस प्रोस्टोनम ड्रॉप में मिले हुए है। ये प्रोस्टोनम ड्रॉप SBL कंपनी का आता है, इसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है। इस मेडिसिन को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर नजदीकी होम्योपैथिक फार्मेसी से भी ले सकते हैं। अब इसका डोज कैसा होगा, तो ये जो मेडिसिन है ये लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इसके 10 या 15 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इसका सेवन करना है, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन आपको जरूर करना है। ये जो मेडिसिन है ये लगातार आपको 1 या फिर 2 महीने के लिए इस्तेमाल करना है अगर आपको एक्यूट कंडीशन है। क्रॉनिक कंडीशन में इस ड्रॉप का आपको ज्यादा सेवन करना पड़ेगा, तब आपको रिलीफ मिल पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जिनको भी बीपीएच की परेशानियां हैं, चाहे वो एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, ठीक नहीं हो पा रही है, तो उनको ये ड्रॉप जो है और ये वीडियो जो है दोनों मददगार रहेगा उनके प्रोस्टेटिक ग्रंथि की स्वेलिंग को कम करने के लिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।